खबर रीवा से है, जहां पिता की तलाश में पुत्र दर दर की ठोकरें खा रहा है। बेटे का कहना है कि पिता पिछले 1.5 माह से गायब है, जिसकी शिकायत वो कई बार कर चुका है, मगर पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और अभी तक उसके पिता की कोई सुध नहीं ली गई है। उसे अब ये भी नहीं मालूम कि उसके पिता जीवित भी हैं या फिर नहीं। मीडिया से बातचीत में वर्तमान में चिरौला कॉलोनी रीवा में रहने वाले युवक ने बताया कि उसके पिता बीएसएफ रिटायर्ड कर्मी राघवेंद्र शुक्ला बीते 4 जून से लापता हैं, जिसकी शिकायत रामपुर नैकिन सीधी में दर्ज करवाई गई थी। बेटे सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया कि पढ़ाई के सिलसिले में वो इंदौर रहता था, जहाँ पिता से उसकी आखिरी बार बात हुई थी और तभी से उनका फोन बंद आ रहा है। सिद्धार्थ ने बताया कि उसने गांव और रिश्तेदारों में भी पिता के बारे में पता किया, पर उसे कहीं कुछ जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद वो पुलिस की शरण में पहुंचा है। वहीं 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई जानकारी अभी तक पिता के बारे में नहीं जुटाई है, ना ही उनका कुछ पता चल सका है। सीधी के पैपखरा निवासी सिद्धार्थ ने बताया कि उसके पिता का बड़े भाई के साथ जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें उनके द्वारा जबरन जमीन हड़पने की नीयत से कब्जा करने और जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। इस सीधी में भी शिकायत दर्ज करवाई है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण अब युवक रीवा एडीजी कार्यालय में पहुंचकर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। सर, मेरे पापा जो हैं लापता हो गए हैं, आज उन्हें हुए 1.5 महीने हो गए हैं। मेरी उनसे आखिरी बार 3 तारीख को बात हुई थी और 5 तारीख से उनका कंटिन्यूसली फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो उसकी वजह से मैं 18 तारीख को इंदौर में रहा करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं वहाँ से आया 18 जून को। उसके बाद जाके मैंने रामपुर नैकिन में रिपोर्ट दर्ज कराई। आज 1 महीने होने को आ गए, आज तक ना कोई कार्यवाही हुई, ना कुछ सूचना, ना कुछ भी। मैंने हर एक जगह आवेदन दिया, CDSP में भी आवेदन दिया, रीवा SP में भी आवेदन दिया। क्या नाम है पिताजी का, क्या करते थे? श्री रावेंद्र प्रसाद शुक्ला, वो रिटायर्ड BSF जवान। किस दिनांक को गायब हुए हैं? ये दिनांक 4 से 5 तारीख के बीच। कौन सा महीना? जून। जून में गायब हुए हैं, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की है? मैंने रामपुर नैकिन में शिकायत दर्ज की है और उसके अलावा आवेदन दिया था CDSP में, रीवा SP में। कहीं कुछ जानकारी है कहाँ जा सकते हैं? जानकारी ऐसा था कि पापा घर छोड़ के कभी 4 दिन से ज़्यादा कहीं के लिए जाते नहीं थे और ज़्यादा से ज़्यादा वो गाँव जाते थे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाते थे। मैंने गाँव में भी पता किया तो गाँव वाले कह रहे हैं कि वो आए नहीं हैं, और जब मैंने पापा के वकील से बात किया तो ऐसा पापा कहना है कि वो गाँव गए थे, गाँव से वापस आ गए थे। किसी का विवाद भी था उनसे? हाँ, जमीनी वाद विवाद चल रहा था उनका, उनके बड़े भाई रामनिहोर शुक्ला और उनके दोनों भतीजे। तो क्या विवाद इनका गायब होने के पहले तक लगातार चल रहा था? हाँ, बहुत विवाद उनका आज कम से कम 4-5 महीने से चल रहा है जमीन को लेकर। इधर उधर कहीं ना रिश्तेदारी में आपने पता किया? हाँ, मैंने हर एक जगह पता कर लिया, कोई जानकारी नहीं है। और उनको धमकी भी दी जा रही थी कि आपको जान से मार देंगे और आपके घर को आपको गलत तरीके से फंसा देंगे, ये धमकियाँ मिल रही थी जी। रामपुर थाने आप गए थे तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? कार्रवाई 1 महीने हो गए, ना मुझे कोई जानकारी दी जा रही है, ना कुछ भी। फ़ोन लगाने पे बस यही कहा जा रहा है कि साइबर सेल में नंबर दे दिया गया, आज तक ना डिटेल दी गई कि क्या हुआ। अब रीवा DG कार्यालय है, क्या चाहते हैं DG साहब से? मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को न्याय मिले और मेरे पापा मुझे लौटा दीजिए। नाम बता दीजिए। श्री सिद्धार्थ शुक्ला। पिताजी का? श्री रविंद्र प्रसाद शुक्ला।